भाई देख रहे हो यूपी में सड़कों का हाल, लोग लोग सबका धनी हो जाता जैसा पानी हो रहा था। क्या लिया शुगर ही है? तो भाई कौन कहता है फोटोग्राफी में मेहनत नहीं लगती, इधर देखो। हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। तो आज हम जो अपना व्लॉग है वो बनाने वाले हैं रोड पर फोटो शूट। तो हम रोड पर फोटो शूट करेंगे और टोटल जितनी पोजिंग होगी, वीडियो की एडिटिंग वगैरह सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगी, और जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहेगा फोटो शूट के लिए वो सब आपके सामने रहेगा। और भैया आप कुछ कहना चाहेंगे सब्सक्राइबरों को हमारे हाय वगैरह का? तो भैया चैनल जो नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे ब्लॉग जल्दी आते रहेंगे। और ये पीछे एक हमारा साथी भाई बोल के सब्सक्राइब बोल दे, हाय बोल के सब्सक्राइब कर दे। तो भाई रोड का फोटो शूट हमारा, मैंने टाइटल भी बता दिया अपनी वीडियो का रहेगा कि रोड पर फोटो शूट। जैसे भी फोटो शूट होंगे बताएंगे आगे का एक्सपीरियंस, लेकिन मैं आपको भी दिखा दूँ। तो भाई घर से निकलते ही देख रहे हो जाम अभी से चालू हो गया, और गर्मी गर्मी की तो पूछो मत ना भाई। सुबह बारिश, शाम को धूप, शाम को बारिश, सुबह को धूप, तो यही चल रहा है भाई। वो वाले डायलॉग है कौन सा कि राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, वो वाला सीन है भाई। तो भाई फोटो शूट के लिए हमने बहुत अच्छा डिस्कशन करा है, उसके बाद एक सॉल्यूशन निकला है कि हम जाएंगे अब राजनगर। अगर और किसी को भी कोई अच्छी लोकेशन बताओ फोटो शूट के लिए या ब्लॉगिंग के लिए, या फिर अगर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए हो तो वो कमेंट में बता सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाऊँ, टॉपिक मेरे साथ शेयर कर सकता है। तो बस देखते हैं आगे अब होना क्या है। तो भाई कम से कम आधे घंटे से चल रहे हैं ट्रैफिक में, जो कि हमारे गांव के बिल्कुल पास है। ऐसा क्यों? क्योंकि पास में एक कॉलेज है, सॉरी स्कूल है, ब्लू डायमंड पब्लिक स्कूल, जिसमें चल रहा है नीट का एग्ज़ाम। बहुत ब्लू डायमंड बहुत ही ज़्यादा भी, तो मैं भी निकलते हैं यहाँ से। अब कितना टाइम लगता है हमें खुद नहीं पता है, कितनी देर और लगेगी। पहुँचते हैं और ब्लॉग बनाते हैं आगे वाला, बने रहे हमारे साथ। भाई देख रहे हो यूपी में सड़कों का हाल, अभी बिल्कुल जस्ट एक एक इंच बचे हैं भाई डूबने से। बिल्कुल इतना गहरा गड्ढा था पीछे, जैसे जैसे बचता है बहुत बुरा हाल है भाई। भाई सांस अटक गई थी पूरी बिल्कुल, क्योंकि लोग लोग सबका धनी हो जाता जैसा पानी हो रहा था, सब नाच हो जाते, कपड़े लगते जूते वगैरह सब। तो ऊपर वाले की कृपा है, बच गए हम, चलते हैं आगे। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. तो भाई रोड पे फोटोशूट चालू हो गया ये, और देखो भैया। तो भाई राजनगर तो पहुंचा नहीं, हमें रास्ते में ही एक अच्छी सी लोकेशन मिल गई, तो हमने सोचा फोटोशूट कर लिया जाए। जो कि आप पीछे देख रहे होंगे फोटोशूट चालू है, और भैया बीच सड़क में अपना ही राज है भैया, सब अपना ही राज है फिश वालों। हाँ हाँ कोई नहीं, देख रहे हो भाई लोग, भैया फुल फॉर्म आ गए अपनी। अब ये देखो नहीं ये बात भैया, सही है भैया सही है। तो फोटोशूट ख़त्म करने के बाद हम पहुंच रहे हैं राजनगर, यहाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अच्छा लोकेशन आ रही है यहाँ पे। बाकी मैं आपको एक बार घुमा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके की है, रोड का भी काफ़ी अच्छा व्यू है। ये हम हैं और ये पीछे कैमरा है और यहाँ फोटो शूट चल रहा है। भाई धड़ा धड़ धड़ा धड़ मेमोरी फुल करे जा रहे हैं हम। भाई अब पहुंच रहे हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो अब जो हमने यहाँ पे फोटो खींचे है ना भाई, एक नंबर। अगर आप सभी को उसके रुझान बाकी तो थंबनेल में डाल दूंगा कुछ फोटो, और चाहिए कि क्वालिटी कैसी है तो मैं
मैं डिस्क्रिप्शन में हम सबके लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम के, वहाँ जाके आप फॉलो करें और आईडी को ओपन करें और वहाँ पता चल जाएगा कोई फोटो किस तरीके से है। और किसी को भी अगर फोटो शूट या वीडियो शूट कराना हो वो उन आईडियो में डीएम करें और आपका भी फोटो शूट हम वैसे ही कर देंगे जैसा हमने अपना किया है, तो चेक करें जाके। फाइनली आरटीसी में एंट्री कर ली हमने और लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे फोटो शूट हो जाए थोड़ा बहुत। भाई ये भी गोल्ड जिम 4G टावर के साथ है बिल्कुल, मगर चल नहीं रहा 4G भी अच्छा हमारा। 4G यहाँ किस लिए सही है, 5G लाने के चक्कर में 4G की ऐसी तैसी मार के रख रखी है सभी नेटवर्क में टोटल ऑल ओवर इंडिया के जितने भी नेटवर्क। भाई सैंडविचेस आ गया और इसमें हम लोग बनाएंगे फोटो शूट करेंगे इसके अंदर, बाकी बोलना बंद करूँगा। लुक कर लो बात, देख रहे हो भाई इतनी भीड़ है भाई, कहाँ मतलब कहाँ गए फोटो से, ये देखो आ गए हम आरटीसी पता हो तो पूरी क्या बताएं। देखो भाई इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, हैं हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे भंडारा हो रहा है। एक तो रेट यहाँ के बिल्कुल मतलब चीपेस्ट मानो सबसे सही है, इसलिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है यार। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई फोटो शूट होगा यार, इतना भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो हमें नेक्स्ट लोकेशन देख, क्या भाई संडे की वजह से उस रेस्टोरेंट में आपने देखा ही होगा कि भीड़ कैसी थी और किस वजह से थी, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो अब हम जा रहे हैं वापसी हाई टैक्सी की, वहाँ पे कुछ अच्छी लोकेशन का पता किया है और पहुँच के बाकी बचा उसका फोटो शूट हम वहाँ करेंगे। बाकी बहुत फोटो खींच ली है हमने और बाकी जो कमी है हम वहाँ पूरी करेंगे और ब्लॉग को भी हम वहीं पे एंड करेंगे। तो देखते हैं आगे कैसी लोकेशन मिलेगी, दिखाता रहूँगा मैं आपको जैसी भी लोकेशन मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। ये भाई नेक्स्ट लोकेशन के लिए तैयार हैं हम और बाकी थोड़ा सा जूम है यहाँ का, देखो कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है शाम के समय। 5 मिनट में हम अगली लोकेशन पर भी पहुँच जाएंगे। ये हाईटेक सिटी इसमें दोबारा री एंटर कर रहे हैं हम, इसी में लोकेशन कुछ स्किप कर दी थी हमने, हमने सोचा था कि राजनगर में, लेकिन राजनगर में आज हो गया संडे और संडे की वजह से वहाँ कुछ ज़्यादा ही अफरा तफरी मच गई थी, तो हमें दोबारा बैक हाईटेक सिटी आना पड़ा। जैसे कि देख सकते हैं हाईटेक सिटी और ये भाई साहब तो भाई यार वाकई में हाई टेक सिटी है भाई, देख रहे हो ना क्या नजारा है। भाई सपोर्ट करवा दो, एक प्लॉट यही ले लूंगा मैं, लाइक करो दबा के सब्सक्राइब करवा दो चैनल, एक प्लॉट यही ले लूंगा मैं। तो भाई हाई टेक सिटी में हम सोसाइटी के अंदर आ गए हम, भैया ये आ गए हम हाईटेक सिटी के अंदर क्लब के अंदर और ये रही पार्किंग, यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं बस, और आगे दिखाएंगे हम कितना तगड़ा व्यू है अंदर का। तो भाई हम आ चुके हैं हाईटेक सिटी और ये मेरे पीछे देख रहे हो क्लब, बस अंदर जाने वाले हैं इसके और अंदर का एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा। क्या भैया के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं जिन्हें भैया कॉल लगा रहे हैं, मिलवाते हैं व्लॉग में उन्हें भी। तो हमने सोचा था कि रोड पर फोटो शूट करेंगे और हम आ गए हाईटेक सिटी में, सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी है और बस क्लब के अंदर जाने वाले हैं हम, जाने वाले क्या जा ही रहे हैं,
दिक्कत कहाँ आई है? दिक्कत कहाँ आई भैया? दिक्कत कुछ नहीं आई, बस थोड़ा नाइट शूट में पता है कैमरे का थोड़ी क्वालिटी गिर जाती है। क्लब के अंदर हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री। भाई एंट्री कर रहे हैं यहाँ से, करवानी पड़ रही है हमें। और जी गार्ड साहब क्या हाल है तुम्हारे? गार्ड साहब बढ़िया हो, बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हो, थोड़ा मुस्करा लो। चलो चलते हैं। तो भाई एक नंबर मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी बड़े भाई हमारे आने वाले हैं, जो मेरे से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं नहीं लेके आ पाया था उन्हें, और हम वेट कर रहे हैं लॉबी में, आने वाले होंगे, जस्ट कुछ काम से गए हुए हैं। बाकी अंदर देखाते हैं क्या सीन यहाँ। तो भाई एकदम भी कैसी फीलिंग आ रही है? एक नंबर फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, देखो भैया इसलिए नहीं बोल पा रहे, ये पीछे क्या काम है, और यहाँ चल रहा है भैया का फोटो शूट। तो भाई कौन कहता है फोटोग्राफी में मेहनत नहीं लगती? इधर देखो, फोटोग्राफी में बहुत मेहनत लगती है भाई, देखा ना आपने अभी। गर्मी का एहसास लेने आ जाओ, पार्टी लोन है ये, पार्टी चलो गया है। तो भाई अगर किसी को जा, यहाँ तो सर्दी हो जाए तो बाहर आ जाओ, और गर्मी हो जाए तो पानी पूछो, तो यहाँ से छलांग लगा दो। तो भाई वाकई में नज़ारा बहुत ही गजब है। तो ठीक है, अपन क्या प्लान है हमारा? कुछ पता नहीं है आगे, हमें खुद नहीं पता आगे का प्लान है। बाकी नीचे चलते हैं भाई, यहाँ से है कैरम कार्ड रूम, बहुत सारी गेम है इसके अंदर। खुला है, खुला ही वाला। तो भाई कैरम कार्ड रूम है ये, क्लियर। भाई फाइनली क्लब व्लब तो देख लिया हमने, जो कि एक नंबर था। तो अब आगे का प्लान भैया बताएंगे कि करना क्या है, चलते हैं अब। तो भाई
होना क्या था, क्लब देख लिया सब मस्त एकदम, फोटो शूट वगैरह एकदम ओके हो गया, करते तो और मस्ती करते, सोचा था कि लेट नाइट तक रुकेंगे, संडे था मगर क्या करें, तो पीछे बैठा है भाई कहाँ से, इसके पापा का फोन आया जा रहा है। और भाई क्या बताएं, हमें इतना डर नहीं है इतना इसको डर है भाई कि जब भी फोन करा इसके पापा ने बाहर, कई दिनों से फोन देख रहा हूँ, तो इसकी पिटाई ना हो इसलिए हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आगे दिखाने के लिए कुछ और नहीं है, बाकी हम अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं, तो फैला दो इस वीडियो को, जल्दी मिलेंगे, ब्लॉग हमारे कंटिन्यू आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, और नेक्स्ट हाँ क्या कमी रही है, ये सारी चीज़ें बताना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप कुछ सजेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और ये फोटो शूट वगैरह जो हम अपनी आईडी पे पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन में हम सबके लिंक डाल दूंगा आईडी के, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने फोटोशूट कैसा किया, किसी को कराना हो तो हमें डीएम करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।